हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लेक्चर्स इन हिंदी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, उसका लेआउट किस प्रकार का होता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें यूज़ करना पड़ते हैं। ठीक है, ये जो आप लेआउट देख रहे हैं यह एक सिंपल न्यूक्लियर पावर प्लांट का लेआउट है, जिसमें क्या क्या होता है हम देखते हैं। ये एक रिएक्टर वेसल होता है जिसके अंदर रिएक्टर कोर होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये रिएक्टर कोर है। इसके अंदर फ्यूल रॉड्स होती है और जो कि बनी हुई होती हैं यूरेनियम या जो भी हमारा और भी न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं उससे ये रॉड्स बनी हुई होती है। ठीक है, तो मेन चीज़ हमारी यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर जो रॉड्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारा जो है पावर जनरेशन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जैसे कुछ जो हम यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं ज़्यादातर इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो यहाँ पर क्या होता है जब कोई न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 एटम से स्ट्राइक करता है तो उसके कारण यह दो दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है यह, और इसमें दूसरे न्यूट्रॉन भी जनरेट होते हैं, साथ में हीट भी हमें मिलती है। ठीक है, इससे हीट भी जनरेट होती है। तो इस प्रकार हम जब एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम एटम से स्ट्राइक करता है तो हमें हीट मिलती है और बाकी दूसरे एलिमेंट्स मिलते हैं और एक न्यूट्रॉन मिलता है, मतलब न्यूट्रॉन मिलता है और हीट मिलती है। ठीक है, जब एक यूरेनियम 235 एलिमेंट से एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो उसके कारण यह एलिमेंट जो होता है वह दूसरे दो एलिमेंट्स में बढ़ जाता है और उसके साथ न्यूट्रॉन भी मिलते हैं हमें और हीट भी मिलती है कुछ अमाउंट में। ठीक है, तो यह बहुत सारे इस प्रकार के स्ट्राइक्स होते हैं इसमें जिनसे हमें हीट मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हीट जनरेट होती है इसे किसी कूलेंट के माध्यम से हम इसे इस प्रकार फ्लो कराते हैं और ये हम एक हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं, जहाँ पर कि दूसरा हमारे जो प्रोसेस चल रही है यहाँ पर ये स्टीम टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, ये पंप है। ठीक है, एक पंप यहाँ पर भी होता है, इसको देखते हैं हम क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर है और ये वाला जो हमारा स्टीम टरबाइन है, टरबाइन का लेआउट है, इसमें यहाँ पर हम वाटर फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो वाटर फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हमारा जो भी कूलेंट है वह हॉट होता है, यहाँ से जब बाहर निकलता है तो वह हॉट निकलता है और जब वह यहाँ पर पहुँचता है तो ये जो वाटर है इसको ये अपनी हीट जो रहता है, ये जो कूलेंट है ये अपनी हीट इस वाटर को दे देता है, तो ये जो वाटर है यह स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब यह स्टीम आगे जाती है टरबाइन में तो यह एक्सपांड होकर के और स्टीम टरबाइन को रोटेट करती है, जिससे कि यह जो जनरेटर लगा है इसको रोटेट करती है और जनरेटर से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद जब यह स्टीम यहाँ से एक्सपांड होकर के निकलती है उसके बाद यह कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर में जाने के बाद यह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसके बाद यहाँ से वापस हम पंप के थ्रू इसे हीट एक्सचेंजर में पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो यह प्रोसेस बार बार होती रहती है और इसी के कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला जो मेन एलिमेंट है हमारा वह है फ्यूल। ठीक है, उसके बाद इसमें हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर का, इन सभी को मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी आपको, एक एक करके इन सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर थर्ड होता है कूलेंट, इसके अलावा फोर्थ होता है, फिफ्थ आपका होता है रिफ्लेक्टर, सिक्स्थ होता है रिएक्टर वेसल,
सेवंथ होता है बायोलॉजिकल शील्ड, ठीक है, फ्यूल मॉडरेटर, कूलेंट, रिफ्लेक्टर, रिएक्टर वेसल, बायोलॉजिकल शील्ड, ठीक। अब हम इन सभी को एक एक करके और एक्सप्लेन करते जाते हैं, इनको देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले फ्यूल कौन कौन से, हम फ्यूल एलिमेंट जो है वो कौन कौन से इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जनरली यूज़ करते हैं 92 यूरेनियम, 235, ठीक है। 92 इसका एटॉमिक नंबर है और 235 इसका एटॉमिक मास है, ठीक है। और ये यू जो है ये यहाँ पर एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक ठीक है। एक ये हमारा हो गया 92 यूरेनियम 235, दूसरा होता है 94 प्लूटोनियम 239, ठीक है। और उसके अलावा एक और होता है 92 यूरेनियम 233, ठीक है। ये तीन जो एलिमेंट्स हैं इनको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। इन तीनों में से ये वाला जो पहला आप देख रहे हैं 92 यूरेनियम 235, ये केवल हमारे पास होता है 0.7% जो भी यूरेनियम और हमारे पास होती है, मिलती है उसमें, ये केवल नेचुरली 0.7% पाया जाता है, ठीक है। बाकी का जो रेस्ट हमारे पास रहता है वह होता है 92 यूरेनियम 238, ठीक है, 92 यूरेनियम 238 इस फॉर्म में पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और बाकी के ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों को हमें इससे प्राप्त करना पड़ता है, 92 यूरेनियम 238 से हम इन दोनों को प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसको और इसको। ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में जब हम इसका फिजन प्रोसेस कराते हैं तो उससे हमें ये दोनों बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो फ्यूल एलिमेंट जो है हम ये तीन फ्यूल एलिमेंट का इसमें यूज़ करते हैं। और ये जो 92 यूरेनियम 235 है, ये 0.7% हमें प्राप्त होता है नेचुरली यूरेनियम की ओर में, और बाकी जो रेस्ट रहता है वह 92 यूरेनियम 238 होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉडरेटर के बारे में कि मॉडरेटर क्या होता है। अभी हमने देखा फ्यूल एलिमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं मॉडरेटर क्या होते हैं। तो मॉडरेटर मेनली क्या काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर फ्यूल रोड से, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं यहाँ से, उनकी स्पीड और एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी और इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो इनको स्लो डाउन करने के लिए हम मॉडरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी रहती है, जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करके ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं यहाँ से, इनकी एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और इनकी स्पीड होती है 13,200 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको रिड्यूस कर देता है कितने में, यहाँ पर इसकी एनर्जी बचती है 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी स्पीड बचती है 2200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी स्पीड रिड्यूस इसकी कर देता है, यहाँ तक ले आता है उसको, ठीक है। तो यह होते हैं मॉडरेटर्स। अब मॉडरेटर के रूप में हम लाइट एटम्स को, जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें मॉडरेटर के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। वह कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और बेरिलियम, ठीक है, BE बेरिलियम, इन ये सारे जो हैं हम इन्हें मॉडरेटर के रूप में यूज कर सकते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नेचुरल यूरेनियम को फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो हम ग्रेफाइट और हैवी वाटर जो कि D2 होता है और बेरिलियम, इन तीनों को मॉडरेटर हम यूज कर सकते हैं जब हमारा फ्यूल जो है नेचुरल यूरेनियम होगा तो, ठीक है। अब हम देखते हैं कूलेंट के बारे में, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि कूलेंट क्या होता है। तो कूलेंट का जो मेन वर्क है यहाँ पर, जो हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है रिएक्टर कोर में, उस हीट को कम करना है, यहाँ पर हीट को कम करना है। वह क्या करता है, क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर जो हीट जनरेट हो रही है उसको कूलेंट एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है, और इस हीट को आगे ले जा करके और हीट एक्सचेंजर में जो वाटर होता है उसे दे देता है, और वह जो वाटर होता है वह स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यह कूलेंट का वर्क होता है, और इससे जो यहाँ का टेम्परेचर है यह मेंटेन रहता है, जिसके कारण ये जो रोड्स होती हैं यह मेल्ट नहीं हो पाती है। तो सेफ्टी के लिए भी यह कूलेंट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छे कूलेंट के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि कूलेंट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छे कूलेंट के अंदर, तो वह कौन कौन सी है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि यहाँ से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं यूरेनियम रोड्स से या फ्यूल से, जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ये जो न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं इन्हें एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। उसके अलावा सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, यह नॉन ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए और रेडियो एक्टिव स्टेबिलिटी इसमें होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यह नॉन करोसिव होना चाहिए। उसके अलावा अगर लिक्विड है, कूलेंट अगर लिक्विड है तो इसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, और अगर सॉलिड है तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कूलेंट मटेरियल में हाई डेंसिटी होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी रिक्वायरमेंट्स को जो भी एलिमेंट अगर फुलफिल करता है तो वह हमारा एक गुड कूलेंट कहलाएगा। ठीक है, तो कूलेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम कूलेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है वाटर, फिर है हैवी वाटर, हैवी वाटर, उसके अलावा गैस जिसमें आती है, गैस में आती है हीलियम और CO2। ठीक है, हीलियम और CO2। इसके अलावा सॉलिड मेटल इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो जो सोडियम है उसे भी हम यूज कर सकते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ऑर्गेनिक लिक्विड्स। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक लिक्विड्स, इन सभी को हम एज ए कूलेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, कूलेंट के बाद अब हम देख लेते हैं कंट्रोल रोड्स क्या होती हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पर, जब यहाँ पर न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनके कारण जब हीट रिलीज होती है, तो कभी अगर हमें प्रोसेस को स्टॉप करना है, इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस अंडरगोइंग है, इस प्रोसेस को अगर हमें स्टॉप करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल रोड्स का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल रोड्स का यूज हम करते हैं। इसमें क्या होता है, जो कंट्रोल रोड्स रहती हैं वह ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है जो कि हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर हो। ठीक है, जो कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता हो। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब ये जो रोड रहती है, इन रोड के बीच में हम इन कंट्रोल रोड्स को, ये जो फ्यूल रोड्स रहती हैं इनके बीच में हम कंट्रोल रोड्स को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से जो न्यूट्रॉन निकल रहे होते हैं पहले, तो वो ये जो कंट्रोल रोड रहती हैं ये इसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसके कारण ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पर रिएक्टर कोर में फ्यूल रोड के द्वारा ये स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या क्या, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हम कंट्रोल रोड्स बना सकते हैं, ये है बोरोन, कैडमियम और इंडियम। ठीक है, कंट्रोल रोड किससे बना सकते हैं, बोरोन, कैडमियम और इंडियम, इन तीन एलिमेंट से हम कंट्रोल रोड्स बना सकते हैं। इसके अलावा इनमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन जो है ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए इसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल रोड की
क्या होना चाहिए विशेषता कि इसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए, ठीक, तो वह कंट्रोल रोड अच्छे से काम करेगी। इसके अलावा अब हम देखते हैं रिफ्लेक्टर का यूज क्या होता है, ठीक है। यहां से जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं वह इस पूरे रिएक्टर कोर जो है इनमें पूरी चारों तरफ ये घूमेंगे, कहीं की कोई किसी भी डायरेक्शन में यहां से जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जो रिएक्टर कोर है इस कोर का एलिमेंट अगर ऐसा है जो निम्न न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो एनर्जी जनरेट होना चाहिए थी, हमारे पास जो एनर्जी मिलना चाहिए थी वह कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए कि यहाँ पर ये जो कोर है इसके अंदर हमें एक रिफ्लेक्टर का यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ से जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे ये रिफ्लेक्टर से टकरा करके वापिस में इसी प्रोसेस में दोबारा कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, इसमें लो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए न्यूट्रॉन्स का, हाई रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और इसमें ऑक्सीडेशन का हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऑक्सीडेशन और इरेडिएशन का, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हाई रेडिएशन स्टेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम जो रिफ्लेक्टर्स हैं कौन कौन से मेटल या मटेरियल को हम यहाँ पर रिफ्लेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, ये है वाटर, ड्यूटोरी मतलब हेवी वाटर और कार्बन, ठीक है। तो इन्हें हमने मॉडरेटर के रूप में भी यूज किया था, इसे ही हम इन्हें रिफ्लेक्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रिफ्लेक्टर्स। अब हम देखेंगे रिएक्टर वेसल और बायोलॉजिकल शील्ड, इनके बारे में देखते हैं एक-एक करके। फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल शील्ड क्या होती है, ठीक है। यहां से जो ये जो रिएक्टर कोर है यहाँ से जो रेडिएशन निकलती है और जो रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट्स निकलते हैं इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ह्यूमन बॉडी को हार्म पहुँचा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसमें एक बायोलॉजिकल शील्ड का यूज करना पड़ता है, किसी शील्डिंग मटेरियल का रिएक्टर वेसल के अंदर, ताकि ये जो रेडिएशन है और रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट से यह यहाँ इससे बाहर ना निकल सके, ठीक है, जो चीज़ ह्यूमन बॉडी को हार्म पहुँचाती है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल शील्ड। इसके अलावा रिएक्टर वेसल क्या होता है, रिएक्टर वेसल ये जो आप बाहर देख रहे हैं रिएक्टर वेसल में, ये जो रिएक्टर वेसल है इसमें इसके अंदर बायोलॉजिकल शील्ड, ये रिएक्टर कोर और रिफ्लेक्टर यहाँ पर जो लगा हुआ होता है, ये तीनों चीज़ रिएक्टर वेसल के अंदर आती है। साथ ही साथ इसमें ये इनलेट और आउटलेट पासेज जो कूलेंट के लिए रहता है वह भी होता है, और ये जो रिएक्टर वेसल है इसे 200 bar और इससे ज़्यादा का प्रेशर हैंडल करने के लिए के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का लेआउट कैसा होता है, उसमें कौन कौन से जो आइटम लगे होते हैं, ऑब्जेक्ट लगे होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं, फ्यूल एलिमेंट, मॉडरेटर, कूलेंट, कंट्रोल रोड, रिफ्लेक्टर, रिएक्टर वेसल और बायोलॉजिकल शील्ड, ये क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने जाना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखें, इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे इस वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री में। तो इससे आपको क्या होगा कि जब कोई भी हम नया वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वह आपको मैसेज मिल जाता है, ठीक है। तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।